नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। आज दिन भर रही दवाओं की दुकान बंद, दवा व्यापारियों का यह विरोध दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर था। व्यवसायियों की माने तो शासन ने उनके लिए तो कई सारे नियम मान रखे हैं, जैसे बिना पर्चे के दवाई ना देना, नशे के लिए उपयोग में होने वाली दवाओं को किसी को भी ना देना, साथ ही छोटे बच्चों को नशीले पदार्थ ना देना आदि। लेकिन इन सभी नियमों को शिथिल करके ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति बिना पर्चे के दवाई मंगा सकता है, चाहे वे नशे की ही क्यों ना। ऐसी दवाएं जो भारत सरकार द्वारा बैन की गई हैं, उनको भी ऑनलाइन मंगाया जा सकता है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो ऑनलाइन दवाओं की बिक्री से खरीदी में आमजन को काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि इससे कई तरह के ऑफर निकाले जाते हैं जिनका फायदा एक आम व्यक्ति आसानी से उठा सकता है। वहीं दवाओं की जिस कंपनी को व्यक्ति को चाहिए उसी कंपनी की दवा भी आमजन को मुहैया हो सकती है, वो भी ऑनलाइन माध्यम। साथ ही यहाँ ऑनलाइन में जो बिक्री होती है उसके लिए किसी पर्चे की जरूरत नहीं पड़ती है, यही होती है गफलत। एक दूसरा पक्ष जो दावा करता है उसका ये कहना है कि बिना पर्चे से दवाई देने पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कोई दवा ले सकता है। कई दवाएं तो ऐसी भी होंगी जो भारत सरकार द्वारा बैन की गई है। आज इसी कश्मकश में दिन भर दवा व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रही, जिससे खामियाजा आम व्यक्ति को उठाना पड़ा। साथ ही कई लोग तो पर्चा लेकर इधर उधर घूमते हुए नजर आए, क्योंकि उन्हें दवा की सख्त जरूरत थी। हालांकि इस आंदोलन में 7 दुकानों को खोला गया था जिनके द्वारा कोई भी दवा खरीदी जा सकती थी, लेकिन इसकी सूचना कहीं भी चस्पा नहीं की गई। वहीं दवा व्यापारियों ने आज शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एक रैली निकाली, जिसमें वे पूरे समय ऑनलाइन दवाओं का विरोध करते नजर आए। साथ ही उनकी रैली जिला कलेक्ट्रेट में जाके खत्म हुई, जहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया किस तरह से ऑनलाइन बिक्री का खामियाजा लोग उठाएंगे और किस तरह से इस दवा व्यवसाय को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखने लायक होगा कि क्या सरकार इस विरोध के बाद इन लोगों की सुध लेती है या नहीं। बिक्री हेतु कानून बनाया जा रहा है, जो कि न केवल 8.5 लाख दवा विक्रेता, उनके 50 लाख परिजन, उनके स्टाफ और उनके 2.5 करोड़ परिजन तथा दवा के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के करोड़ों औषधि प्रतिनिधियों के जीवन यापन एवं रोजगार का भारी संकट होगा। जो कि सरकार ने एक नया कानून लेके आ रही है, ई फार्मेसी को रेगुलेट करने वाली है। अभी भी भारत देश में कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो ऑनलाइन दवाइयाँ बेचती हैं, लेकिन सरकार अब उन्हें रेगुलाइज करने वाली है, इसके लिए कानून ला रही है। इसमें कई सरकारी कंपनियाँ ऐसी आएंगी, कई सारे मॉल ऐसे आएंगे जहाँ केवल ई फार्मेसी के रूप में वहाँ दवाइयाँ मिला करेंगी। इसमें यहाँ तो ये जानकारी मिलेगी कि डॉक्टर ने लिखी है या नहीं लिखी है। आज केमिस्ट क्या कोई दवाई लेने आता है तो पर्चा देखता है, सामने वाले पेशेंट को देखता है इसको इस दवाई की जरूरत है या नहीं है। नशे की दवाई कई पेशेंट लेने आता है लेकिन हमारा केमिस्ट नहीं देता। ऑनलाइन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि नशे की दवाइयाँ ना भेजी जाएँ। MPT किट जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, जो गर्भपात के काम आती हैं, आज ये MPT किट ऑनलाइन के रूप में फ्रीली उपलब्ध है। शासन इसके ऊपर रोक लगाई हुई है लेकिन ऑनलाइन के रूप में फ्रीली उपलब्ध है। हमारा विरोध केवल ये है कि आप रेगुलाइज नहीं करें, आप जो हमारे केमिस्टों के ऊपर बंधित है वो ऑनलाइन भी लाएँ, उनको भी कोई नियम लाएँ। आज पेशेंट के आज इससे होने वाली आज इससे जो आज का जो युवा वर्ग है वो
नशे की तरफ जा रहा है, ऑनलाइन से और नशे की तरफ जा रहा है। ऑनलाइन से दवाइयों की, नशे की दवाइयों की उपलब्धता बहुत आसान होने वाली है, जो गलत। उप स्वास्थ्य केंद्र झागर में नेत्र शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें तकरीबन 50 मरीजों का परीक्षण किया गया, जिसमें से नेत्र रोग विशेषज्ञ सुखलाल पहुंचे, जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर नेत्र प्रशिक्षण किया गया, जिन्होंने मोतियाबिंद के मरीजों को गुना में ऑपरेशन करने के लिए भेजा। साथ ही अन्य नेत्र रोग के भी यहां प्रशिक्षण किए गए। वहीं जिन लोगों को दवाओं की जरूरत थी उन्हें दवा दी गई, जिनको चश्मों की जरूरत थी उन्हें चश्मा मुहैया कराया गया। कितने लोग आ चुके हैं अभी तक? 12 लोग आ चुके हैं, उनमें से 2 को रेफर कर दिया। झागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। शासकीय उच्चतर महाविद्यालय में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती समारोह मनाया गया। ऑल इंडिया DSO द्वारा शहीद भगत सिंह को याद करते हुए उनका जयंती मनाई गई, जो कि स्थानीय PG कॉलेज में इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं सभी ने भगत सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला, साथ ही उनके बारे में बात की, किस तरह से उनके किए हुए कार्यों को अपने जीवन में उतारना है इस पर भी चर्चा की गई। कौन कहता है कि भगत सिंह पैदा नहीं होते? पैदा तो होते हैं, बस नाम बदल जाते। जरूरत है कि आज समाज में फिर भगत सिंह पैदा हो और हर एक छात्र के अंदर भगत सिंह होना चाहिए। कैडेटों ने कॉलेज परिसर में की साफ सफाई। NCC के एक विशेष कार्यक्रम में कॉलेज के लेक्चरर द्वारा स्वच्छता के ऊपर सभी NCC कैडेटों को जानकारी दी गई, जिसके बाद कॉलेज परिसर में स्थित पार्क की NCC की सभी इकाइयों ने साफ सफाई की। आज हमारा जो है लेक्चर प्रोग्राम था सफाई अभियान के विषय में, और कॉलेज के अंदर प्रोफेसर राहुल सिंह द्वारा यहाँ पर जो है सफाई अभियान के विषय में लेक्चर दिया गया, और कॉलेज प्रांगण की समस्त NCC इकाइयों के द्वारा सफाई किया गया। आज आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसको देखने के बाद आप भी कहेंगे कि क्या ये स्वतंत्र भारत है। इस देश को आजाद हुए कई साल हो गए हैं, उसके बाद भी यहाँ पर मौलिक सुख सुविधाएं नहीं मुहैया हो पा रही हैं। साथ ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा गया है, जिसको शाइनिंग इंडिया भी कहा जाता है, उसको भी धता बताता है ये गांव। ऐसा नहीं कि किसी एक सरकार की वजह से यहां पर बेरुखी है या यहां पर बदहाली है, यहां पर हर बार सरकार बदलती है। इस बार कांग्रेस शासित है, ये वहीं इससे पहले भाजपा का परचम इस क्षेत्र में लहराया गया था। हम बात कर रहे हैं बमोरी के स्थानीय विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया के पैतृक गांव डोबरा के पास की। इस गांव के नजदीक ही डोबरा चक है, जहां पर एक भी विद्यालय नहीं है। बच्चे बिना स्कूल की बिल्डिंग के ही यहां पर एक मंदिर में पढ़ने को मजबूर हैं। तकरीबन 100 बच्चे यहां पर इस मंदिर में पढ़ते हैं। इस गांव में एक भी स्कूल ना होने के चलते यहां मंदिर में बैठने को मजबूर हैं सभी छात्र। एक और तो सरकार जहां करोड़ों रुपया केवल शिक्षा संबंधी विज्ञापनों पर ही खर्च कर देती है, वहीं यह गांव ऐसा है जहां पर कोई सुध लेने वाला नहीं कि यहां के बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं। ना ही इन बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ टेबल कुर्सी मुहैया कराई जा रही है, ना ही इनके पास कोई विद्यालय का भवन ही है। मजबूर होकर ये लोग एक मंदिर में आकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा इस तरह से अगर ये लेंगे तो माध्यमिक शिक्षा कहाँ से लेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ केवल 5वीं तक ही क्लासेस लगाई जा रही हैं। वहीं बारिशों के दिनों में ये क्लासेस किसी ना किसी के घर में लगाई जाती है। यहाँ टीचर तो बाकायदा आते हैं, लेकिन विद्यालय का भवन नहीं है। कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई। वहीं आज बसपा के नेता ओपी त्रिपाठी इस गांव में पहुंचे, जहां इन बच्चों को देखकर उनका भी दिल पसीज गया। उन्होंने यहां आश्वासन दिया है कि यदि आगामी समय में उनकी सरकार बनती है तो यहां पर विद्यालय जरूर बनाया जाएगा। पैतीस साल से ये बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ये अभी निर्माणाधीन जो मंदिर का काम चल रहा है, इसी इसमें पढ़ा रहे हैं बच्चों को? तो इससे आपने किसी से बताया नहीं, प्रशासन को, शासन को, किसी को भी? बता दिया, अपन कोई सुनाई नहीं करे जो कहीं करा। तो आपके तो पड़ोस में विधायक का गांव भी है? विधायक भी यहाँ गांव वाला है, पर ये तो आता ही नहीं। अच्छा, तो उनको बोला नहीं कि साहब स्कूल की व्यवस्था करो? क्या सुनता ही नहीं? नहीं सुनते हैं? हाँ। अच्छा, तो अब आगे कोई कलेक्टर वलेक्टर को शिकायत की कुछ? कोई भी नहीं बताया। अब तो विधायक गांव का ही है, तो ये तो सुना ही करेगा, तो कोई सुना ही नहीं। सही, सही। मैं इतना कहूँगा कि बामोरी के वर्तमान विधायक इसी गांव से हैं, और इन्होंने अपने गांव का विकास नहीं कर पाया। आजादी कितने में पहला उदाहरण हुआ कि सरकारी स्कूल के बच्चे के पढ़ने की जगह नहीं है, सरकारी बिल्डिंग नहीं है, और बच्चे एक मंदिर में पढ़ रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी, इसमें अनहोनी बात क्या होगी कि सरकार और विधायक मंत्री सब रह चुके, यहाँ के सरकार भी उन्हीं के, इन्होंने एक सरकारी बिल्डिंग नहीं बना पाई और बच्चे आज देखो आप मजबूर हैं मंदिर के प्रांगण में पढ़ने के लिए। बरसात ज़्यादा हो जाती, कोई किसी घर में जो है पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं मास्टर साहब पढ़ाने के लिए, और स्थिति इतनी खराब है कि जब भाजपा के राज में और वर्तमान विधायक कांग्रेस के हैं, इनके राज में बच्चों को पढ़ने की प्रॉपर स्थान नहीं है, तो इनको तो तत्काल इस्तीफा दे करके घर बैठ जाना चाहिए। शहर के नत्थूखेड़ी में बनने वाला है 17 लाख रुपए की कीमत से एक पार्क, जिसका भूमि पूजन आज नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा द्वारा किया गया। पूरे गुना क्षेत्र में पार्कों को लेकर संकल्पित हैं राजेंद्र सलूजा। उन्होंने संकल्प लिया था कि हर वार्ड में पार्क बनाया जाएगा, वहीं अंतिम पार्क नत्थूखेड़ी में बचा था, जिसका की आज भूमि पूजन किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी समय में यदि पैसों की जरूरत पड़ती है तो नगरपालिका और भी पैसा यहां पर पार्क को डेवलप करने के लिए देगा। वहीं इस पार्क में अभी 17 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष ने बोला है कि कल से ही यहां पर काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी बच्चों के लिए ये पार्क खोल दिया जाएगा। भाई साहब सारे पार्क हो रहे हैं, मेरा पार्क क्यों नहीं हो रहा? नहीं, सबने कहा हमारा संकल्प था 40 पार्कों को शहर में बच्चों के लिए 40 पार्क कंप्लीट करना। ये 40वां पार्क का भूमि पूजन आज हमारे नत्थूखेड़ी के बुजुर्गों ने किया है। हमारे बंटी जी
हमारे पार्षद केला दाकर जी, हेमराज जी, श्याम सुंदर जी, इनका आदेश था कि हमारा पार्क और कंप्लीट हो, तो आज इसका भूमि पूजन 17 लाख रुपए की राशि से हुआ है। कल से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और भी राशि की जरूरत पड़ेगी, 10 से 15 लाख रुपए और भी हम राशि सैंक्शन करेंगे। अब चूंकि आचार संहिता लगने वाली है, अभी टेंडर नहीं लगाएंगे, अभी 17 लाख का टेंडर है। कार्य आज से प्रारंभ हो गया है और एक दो दिन के अंदर आपको गड्ढे खोदना शुरू हो जाएंगे। आईना दिखाया तो रूठ गए पुलिस के साहब, ये तक कह दिया कि तुम अपनी गाड़ी दे दो तो नहीं तोड़ेंगे रूल। ये कमेंट एक जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी ने फेसबुक पर दिया है, जिससे पुलिस की व्यवस्था एवं संसाधनों की पोल खोल दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान देकर आखिर समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या यह मान लिया जाए कि पुलिस विभाग इन दिनों इतनी खस्ताहाल स्थिति में चल रही है कि उनके पास संसाधनों का भी अभाव है, या फिर ये मान लिया जाए कि पुलिस के लिए कोई भी कायदे कानून नहीं है? हम बात कर रहे हैं फेसबुक पे जारी की गई एक पोस्ट की, जिसमें बताया गया था कि दो पुलिसकर्मी बीच में एक अपराधी को लेकर जा रहे हैं। साथ ही उसमें कैप्शन दिया गया था कि क्या पुलिस भी नियम तोड़ेगी। वहीं इस पोस्ट पर दखल देते हुए इन आदरणीय सब इंस्पेक्टर ने उस पर लिख दिया कि तुम अपनी गाड़ी दे दो तो हम उस पर रूल नहीं तोड़ेंगे, पुलिस काम कर तो रही है। क्या ये ठीक है जो जिस तरह से उन्होंने फेसबुक पर कमेंट किया? शायद इस पोस्ट पर कमेंट करने का मकसद ये रहा होगा कि जो भी नियम पुलिस द्वारा बनाए जाते हैं, चाहे वो हेलमेट के हो, चाहे तीन सवारी बिठाने के वेकेबल, आम जनता के लिए और पुलिस का इससे कोई सरोकार नहीं होता। कई बार देखा भी गया है कि पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी बिना हेलमेट के ही बेधड़क होकर घूमते रहते हैं, लेकिन उनका कभी भी कोई चालान नहीं बनाया जाता। वहीं सबसे बड़ी लापरवाही की बात तो यह है कि जिस आरोपी को पकड़कर आपराधिक मामले में पुलिस वाले ले जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था एवं स्वयं की सतर्कता कहां जाती है? ऐसे ही मौके होते हैं जब अपराधी पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं। अब देखना यह होगा कि कहां तक ये पुलिस विभाग इस तरह के कमेंट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई करता है या इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। राधोगढ़ लोक सेवा केंद्र के ऑपरेटर की दादागिरी, लोगों से करते हैं अभद्रता। मामला राधोगढ़ लोक सेवा केंद्र का है। राधोगढ़ तहसील परिसर में लोक सेवा केंद्र पर स्थानीय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई भी लोक सेवा केंद्र जाता है, चाहे वे शहरी हो या ग्रामीण, उन्हें स्थानीय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। वहीं जिनकी अच्छी सेटिंग है वो सीधा अंदर घुसते हैं कार्यालय में और अपना प्रमाण पत्र लेकर आ जाते हैं। जिन लोगों की कोई सेटिंग नहीं है वो घंटों लाइन में लगे रहते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका नंबर आज ही आएगा या कल। वहीं काफी देर तक परेशान होने के बाद जब स्थानीय लोग अपने प्रमाण पत्र के लिए ऑपरेटर से बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे आप लोगों को अंदर से प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उस पर वहां पदस्थ ऑपरेटर भड़क जाते हैं, साथ ही लोगों से अभद्र भाषा में बात करने लगते हैं। वहीं इतना ही नहीं रुकता, वे ये भी धमकी दे देते हैं कि तुम कलेक्ट्रेट तक जाके क्या कर लोगे, मेरी शिकायत कहीं भी कर दो। हालांकि अभी तक लोक सेवा केंद्र के ऑपरेटर पे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, पर समझ से परे है कि कब तक एक आम आदमी यूं ही परेशान होता रहेगा। वीडियो बना रहा है, ऐसी कर नहीं निकाल रहा तू, कलेक्टर जा के दे आप। हाँ भाई, जो निकाल कर रख रहा था लेकिन नहीं निकाल रहा, ठीक है जा। कल मेरे से ये बोला था आप सुबह आ जाना, ठीक है भाई। मैथिल ओझा समाज की महिलाओं ने आयोजित की एक बैठक, जिसमें विगत दिवस विश्वकर्मा जयंती पर महिलाओं द्वारा किए गए योगदान के लिए महिलाओं का स्वागत एवं सम्मान किया गया। किस विषय में चर्चा हो रही है? आपसे बात कर एक महीने पहले मंडल महिला मंडल बनाया था, उसमें हमने एक महीने की मेहनत में इतनी बहनों को इकट्ठा किया है, मतलब बुना के अंदर पहली बार इतना बड़ा जलूस निकला। आज हमने बैठक इसलिए रखी है कि जो हमारी बहनें आई थी उनका हम आभार व्यक्त कर सकें
और उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित कर सके। किस समाज की बेटा जी? मैं तो लोजा समाज की बेटा। पिता को दी बेटी ने मुखाग्नि, सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन ये हकीकत है। एक बेटी ने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया जब उसने अपने पिता को अंतिम संस्कार में मुखाग्नि दी। एडवोकेट उदय प्रकाश विजयवर्गीय का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। वे 55 वर्ष के थे। श्री विजयवर्गीय की दो पुत्रियां थी, साथ ही इन दोनों पुत्रियों की शादी हो गई थी, जिनमें से एक बेटी ने आज उन्हें शमशान घाट पहुंचकर मुखाग्नि दी। देखने वाले देखते रह गए और किसी के आंसू थम नहीं रहे थे। वहीं जैसे ही इन बेटियों रुचिका और शिविका ने मुखाग्नि दी तो मानो समय थम सा गया और पूरा शोकाकुल परिवार और शोकमग्न हो गया। डिजाइना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।